कई बार ऐसा होता है कि मेरे YouTube चैनल पे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो अधिकतर गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, ग्राउंड लेवल से रिलेटेड हैं, और वो अक्सर मेरे वीडियोज में कमेंट करके मुझसे हमेशा बताते रहते हैं कि भाई हम लोग अपने मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, मोबाइल से वीडियो अपलोड करते हैं, हमारे पास ना कोई लैपटॉप है ना कोई डेस्कटॉप है। तो ऐसा कुछ जानकारी हमें बताइए जिससे हम अपने मोबाइल से ही वायरल टैग्स को निकाल सकें और अपने वीडियो को वायरल कर सकें। यार मैंने सोचा कि सारा जो भी प्रोसेस मेरे सब्सक्राइबर जैसे पूछते हैं वही प्रोसेस मेरा भी है। मेरे पास भी ना कोई लैपटॉप है ना कोई डेस्कटॉप है, और सारा यूट्यूब का जितना भी मैं कार्य करता हूँ अपने स्मार्टफोन से ही करता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों को बताया जाए कि यस, आपके पास कुछ ना होते हुए भी जो भी है आप उतने में से ही कुछ बेहतर को कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैंने डिसीजन ले लिया कि क्यों ना सभी दोस्तों को इसका सलूशन बताया जाए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ मोबाइल फोन है और जिससे हमारे वीडियोज में अच्छा व्यू इंक्रीज हो और हमारे चैनल पे 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाए। तो दोस्तों अब वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए जिससे मेरी हर एक नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रभान और आप देख रहे हैं MS चंद्रभान राज। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक इसको देखते रहिए। अब दोस्तों समझते हैं वायरल टैग होता क्या है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप वायरल टैग अपने वीडियो में लगा दें तो आपका वीडियो वायरल हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ ये बात सही है कि आप अपनी वीडियोज में अगर कीवर्ड्स डालते हैं, आपका वीडियो में अच्छा कंटेंट बनाया, आपका थंबनेल अट्रैक्टिव है, और तो आपके अच्छे कीवर्ड्स अच्छा टैग्स वायरल टैग्स डालने से आपके वीडियो में ये फायदा होता है कि आपका वीडियो कीवर्ड्स को सर्च करता है जिससे कि आपका वीडियो सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर आ जाता है, जिससे लोगों के सामने आता है। अगर आपका थंबनेल अट्रैक्टिव व यूनिक बना है तो लोग उस पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही लोग उस पर क्लिक करते हैं तो उसको देखते हैं, और तो जब से लोग देखना शुरू कर देते हैं तो यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगता है कि इस कंटेंट में इस वीडियो में कोई तो बात है जिसकी वजह से लोग इसको देख रहा है। यूट्यूब एल्गोरिथम फिर उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सजेशन करने लगता है, पुश करने लगता है, जिससे आपके वीडियोज में अच्छा व्यूज आने के रास्ते खुल जाते हैं। अब सवाल उठता है दोस्तों, ये हमारे वीडियो पे डिपेंड करता है, हमारे वीडियो में अपलोड करने के बाद टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों टाइटल भी लगा दिया, अच्छा डिस्क्रिप्शन भी लगाने के बाद अब बात आती है टैग की। तो दोस्तों टैग कैसे लगाएं, अब हमारे पास तो है मोबाइल, तो चलिए दोस्तों इसके रिसर्च का मैं सारा प्रोसेस आप सभी को समझा, चलिए आपको बताता हूँ एक उदाहरण के माध्यम से। एक मैंने अपने एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और इसके बारे में आपको बताता हूँ। अब आपको सबसे पहले करना क्या, तो दोस्तों आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, आपको कोई भी टैग लगाने वाली एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने के बाद आपको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद उस ऐप को ओपन कर लेना। आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपनी मनपसंद। तो मैं दोस्तों आपके उदाहरण में समझाने के लिए एप्लीकेशन को जब मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ वो टैग यू एप्लीकेशन है। तो टैग यू एप्लीकेशन एक फ्री कॉस्ट एप्लीकेशन है, मैं इसमें कोई भी प्ले आउट नहीं किया हूँ। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा ऐड आएगा, एक 5 से 6 सेकेंड का ऐड आएगा, तो उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आप पे करके भी इसमें आप पे भी कर सकते हैं, जिससे आप पे करेंगे तो आपका इसमें ऐड नहीं दिखाई देगा। लेकिन मैं दोस्तों आपको पे आउट करने की कोई भी सजेशन नहीं करता हूं, आपको सुझाव नहीं देता हूं। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को एक उदाहरण एक ऐप ले लेता हूं और उसमें उदाहरण में आपको बताता हूं कि आप कैसे सर्चेस टैग्स वायरल टैग्स निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक एप्लीकेशन ले लेता हूँ टैग यू, और टैग यू एप्लीकेशन ओपन करेंगे दोस्तों हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे सजेस्टेड जो कीवर्ड है, यहाँ पे जैसे कि मुझे वीडियो बनाना है व्यूज कैसे बढ़ाएं, तो यहाँ पर दोस्तों व्यूज कैसे बढ़ाएं और हम इस प्रकार करके सर्च कर लेंगे, तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार सजेस्टेड कीवर्ड बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि व्यूज कैसे बढ़ाएं, व्यूज कैसे बढ़ाएं यूट्यूब पर, व्यूज कैसे बढ़ाएं इंस्टाग्राम, व्यूज कैसे बढ़ाएं इंस्टाग्राम रील्स, व्यूज कैसे बढ़ाएं यूट्यूब पर 2021, यानी कि अब ये आज की डेट में वायरल टैग्स हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको सबसे पहले कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद दोस्तों हम अपने यूट्यूब पे आएंगे, और यूट्यूब पे आने के बाद सर्च करेंगे व्यूज, यहाँ पे वही पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ऐसे करके सर्च कर देंगे, और सर्च करने के बाद आपको ये जो थ्री डॉट दिख रहा है, थ्री डॉट फिल्टर में क्लिक करते हैं। फिल्टर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिस वीक कर देना, दिस वीक करने के बाद आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार बहुत सारे वीडियो सजेस्ट करेगा यूट्यूब का एल्गोरिथम। तो आपको ऐसा कोई वीडियो देखना है जिस वीडियोज में उसके चैनल पे सब्सक्राइबर कम हो और वीडियोज में अच्छे व्यूज आए हों। तो दोस्तों मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए बड़े बड़े यूट्यूबर आ रहे हैं, तो शायद यही जो ऊपर है खुलकर कोई नहीं बताता, 5-7 व्यू आने से हैं परेशान। तो इसी का दोस्तों हम इस प्रकार क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको शेयर पे क्लिक करने के बाद कॉपी लिंक कर देंगे, और कॉपीड जैसे हो जाता है फिर हम पुनः टैग व्यू में जाएंगे। टैग व्यू में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे बैक करते हैं। बैक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आना है गेस्ट फॉर्म, गेट टैक्स फार्म URL, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद वही उसमें कॉपी कर देते हैं, कॉपी करने के बाद चेक कर देते हैं। जैसे चेक करेंगे दोस्तों देखिएगा हमारे सामने कुछ इस प्रकार आ गए कीवर्ड्स, तो इनमें देखिएगा उसका जो नाम है टेक्निकल कौशल, तो इसको हमें नहीं यूज करना। यहाँ पर दोस्तों हमें अपना चैनल का नाम को यूज करना है, अपने चैनल के कीवर्ड्स को लगाने हैं, और यहाँ से कुछ कीवर्ड्स यहाँ से कुछ ले लेंगे, और एक इसका एक और भी फंडा होता है कुछ यहाँ से ले लेंगे, और कुछ जो वीडियो सबसे ऊपर आ रहे हैं सर्च रिजल्ट में दोस्तों एक वहाँ से कुछ कीवर्ड्स उठा लेंगे, और इन्हीं कीवर्ड्सों से लेकर हम अपना टाइटल को बना लेंगे। बनाने के बाद दोस्तों हम अपने वीडियोस को अच्छे तरीके से अपने वीडियोज में अच्छे व्यू ला सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक। दोस्तों मिलते हैं एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।